नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। प्रिया सिन्हा आपके साथ है। हमारे साथ है बीपीएससी 64वीं में 580 रैंक लाने वाली पल्लवी, जो वैशाली की रहने वाली है। पल्लवी से जानेंगे कि उन्होंने बीपीएससी कैसे क्रैक किया और क्या क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने अपनाया। बताया आपको कि पल्लवी रेवेन्यू ऑफिसर बनने जा रही है, तो पल्लवी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयां हो इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। पल्लवी, तो आपके स्टडीज पे आते हैं, सबसे पहले आपने कहाँ से पढ़ाई किया और कैसे बीपीएससी की तैयारी में आप? जी, मैंने बीई किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एमआईटी मणिपाल से किया है। इसके बाद मैं अराउंड 3 साल तक पीसीएस में नौकरी कर रही थी, एंड आफ्टर दैट आई वेंट फॉर हायर स्टडीज। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएट किया है, एंड इसके बाद मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस की तैयारी में लग गई थी, एंड इसके साथ ही इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के भी मैंने एग्जाम दिए, और इसमें आईएएस में मैं इंटरव्यू स्टेज में भी पहुंची थी। दैट वाज इन द ईयर 2014 अराउंड, यस 2014 में मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया था। फिर बाद में शादी हो गई और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाई, बट प्रेजेंटली आई एम टीचिंग एज अ फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स। बेसिकली यूपीएससी के लिए पढ़ाती हूँ एट पुणे एंड नागपुर, एंड बीपीएससी में 2018 में मैंने अपना फॉर्म भरा, एंड मुझे खुशी है कि मैं इस सफलता के जी आखिरी स्टेज को मैं इस बार क्रॉस कर सकी। तो आपके बच्चे भी है, राइट? जी, आई एम अ मदर ऑफ 2 kids. Okay, I have a 4-year-old son and a 2-year-old daughter. And still you got this. How? मतलब कैसे strategies थी, क्या कैसे आपने पढ़ाई की, मतलब बच्चों को संभालते हुए, घर को संभालते हुए? जी, बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी एक महिला होकर, और स्पेशली अगर बच्चे हो जाते हैं तो ये बहुत ही, जो महिलाएं हैं वो समझ सकती होंगी कि ये कितना बड़ा चैलेंज अपने आप में है। बट आई वॉज लकी टू हैव सपोर्ट ऑफ माई पेरेंट्स बाई माई साइड, बिकॉज जब मेन्स का एग्जाम था, दैट टाइम आई वॉज एट माई पेरेंट्स प्लेस, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मदर स्पेशली, हु हैज टेकन केयर ऑफ माई किड्स सो दैट आई कुड स्टडी, एंड ऑल्सो मैं अपने हस्बैंड को और अपने फादर को स्पेशली बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगी, बिकॉज दे हैव ऑलवेज मोटिवेटेड मी टू फॉलो माई ड्रीम्स। ओके, पीटी की तैयारी आपने कैसे की थी, मतलब पीटी में क्या क्या सोचकर आपने पीटी एग्जाम दिया, क्या क्या पढ़ा आपने, या फिर किन चीजों को फॉलो किया था? स्पेशली स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, जो लोग भी एक्सपीरियंस हैं अभी फिलहाल आगे एग्जाम देने वाले, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, मैम अगर मेरे संदर्भ में देखें तो सिंस मैंने पहले एक बार यूपीएससी की तैयारी की थी, तो थोड़ा सा सिलेबस और बुक से मुझे आइडिया था कि कहाँ से पढ़ना है। बिहार का अगर प्रीलिम्स देखे तो थोड़ा सा डिफरेंट है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, करंट अफेयर्स भी आजकल काफी सारे आते हैं, और बिहार से रिलेटेड जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस अलग से प्रिपेयर करने पड़ते हैं अगर हम लोग बिहार की बात करें तो। मैं सजेस्ट करती हूँ, अगर आप कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो सबसे पहले उसका सिलेबस अच्छे से समझ लें, और अगर आपको सिलेबस समझ में आता है तो नेक्स्ट यू शुड गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। 3-4 साल या 5 साल की अगर आप पेपर्स को गो थ्रू करते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, तो आपको समझ आएगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बुक्स वगैरह पता चल जाती हैं, जो भी इस फील्ड में तैयारी करना चाहते हैं, इतना मटेरियल आज के डेट में इंटरनेट पे एंड अदरवाइज भी अवेलेबल है कि हमें पता चल कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बट वेन वी आर रीडिंग द बुक, वी शुड नो कि इसमें से क्या मटेरियल है जो एग्जाम में आता है, कौन सा डेट याद करना है या कहाँ पे फोकस करना है। एंड सेकेंडली मैं एक चीज कहना चाहूंगी, फॉर स्टैटिक पोर्शन ऑलवेज फॉलो द स्टैंडर्ड बुक्स, जो बेसिक बुक्स होती हैं उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप भले आप कहीं कहीं से, आप इधर उधर से भी, हम लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, बहुत सारी जगह से पढ़ते हैं, बट बेसिक बुक्स को कभी नहीं छोड़ें, और एक न्यूज़पेपर फॉलो करें या कोई मैगजीन फॉलो कर ले, मंथली मैगजीन, बट उसको आप सीरियसली फॉलो करें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड, स्मार्ट वर्क भी है, लेकिन ऐसे नहीं है कि मैं कर नहीं सकता हूँ या नहीं कर सकती, और ये सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं, मैं यूपीएससी के लिए भी बताती हूँ कि यूपीएससी भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई जीनियस है या देन दैट पर्सन कैन क्रैक, एनी हार्ड वर्किंग पर्सन कैन क्रैक एनी ऑफ दीज एग्जाम्स, बशर्ते उनको राइट डायरेक्शन में गाइडेंस हो और थोड़ी सिंसियरिटी हो।
पल्लवी, वन मोर क्वेश्चन. ऐसा लोग कहते हैं कि व्हेन यू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज तो आपको बहुत चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, ऐसे कि सोशल मीडिया त्याग दो, फैमिली फंक्शंस त्याग दो और लगे रहो घंटों बस पढ़ाई में. तो ऐसा एक्चुअल में होता है या फिर हमें सिर्फ उतने ही पढ़ने की जरूरत है जितना आपकी कैपेसिटी हो, मतलब अगर हम 2 घंटे भी पढ़े तो फोकस्ड होके पढ़े, क्या वो एनफ नहीं है? नहीं मामा, डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपने पीछे कितना किया हुआ है। बट मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि आपको अपना 100% दे, सोशल मीडिया एंड ऑल यस इट्स इम्पोर्टेंट, अगर आपको डिप्रेशन होने लगे अकेले रहने पर तो आप छोड़ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया। बट इन जनरल अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आपको अपना बेस्ट जो अभी तक आपने नहीं निकाला वो निकालना पड़ता है। तो आई थिंक कि थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं सब कुछ साथ में लेके चलने के लिए तो बिल्कुल चलिए, लेकिन अगर उन चीजों से आपका ध्यान भटकता है तो इट्स बेटर कि आप उसको वैरीज बंद पर्सन कर टू दें पर्सन, एक राइट? फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इट वैरीज टू जी पर्सन टू पर्सन, इट यस यस वैरीज. श्योर ओके, बिल्कुल। यू लिव इन नागपुर राइट नाउ, राइट? प्रेजेंटली आई एम इन नागपुर। यू आर इन नागपुर. फिर आप बिहार आओगे, मतलब अब तो आप रेवेन्यू ऑफिसर बन गए हो और अब बिहार आओगे, जी यहाँ ड्यूटी संभालोगे. आपके हस्बैंड कहाँ है, फैमिली कहाँ रहती है, तो ऐसे कैसे मैनेज होगा सब कुछ? इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद मोटिवेट किया है, वो भी हम लोग दोनों बिहार को बिलोंग कर रहे हैं, और वो भी अपने घर को वापस जाने के का कोई बहाना ढूंढ रहे थे। तो वी विल मैनेज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे इन लॉज हैं वहां पर, तो हमारी पूरी फैमिली बिहार में ही है, तो हम मैनेज कर लेंगे। तो यू हैप्पी विद दैट कि आपको 580 रैंक मिला है, तो यू आर यू हैप्पी विद दैट? और अगर आप और भी आगे मैम पढ़ाई करने लगते. फ्रैंकली स्पीकिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट बेटर, तो कहीं कहीं थोड़ा सा रह गया, बट आई एम हैप्पी दैट माय नेम इज इन द लिस्ट, फाइनल लिस्ट, बिकॉज आई नो कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आता बिकॉज हो ऑफ पाया वेरियस है. रीजंस। आई हैव सीन मेनी पीपल, सो आई एम थैंकफुल टू द गॉड, टू द ऑलमाइटी, दैट माय नेम हैज फाइनली देयर इन द लिस्ट, एंड मौका मिलेगा तो मैं फिर से एग्जाम जरूर दूंगी मैम। हो गया आप. ऑल्सो हाउ वाज द इंटरव्यू? इंटरव्यू में क्या सब कुछ हुआ, मतलब बोर्ड मेंबर्स, बोर्ड कौन सा था आपका, क्या था, ये सब कुछ अगर आप बताना चाहें तो. मैम मेरा शुभेंद्र कुमार चौधरी सर का बोर्ड था, और बोर्ड में बैकग्राउंड थोड़ा कम पूछा था, एंड दे स्टार्टेड विथ आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, एंड उसके बाद थोड़ा इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन ही मेरे से हुआ था। उस दिन बजट का भी डेट था, माय इंटरव्यू वाज ऑन 1 फरवरी, तो बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हुए थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन जनरल बातचीत हो रही थी कोविड के बारे में, केसेस के बारे में, दैट वाज ऑल। दैट वाज गुड, राइट? तो आपने इंटरव्यू में, यस आपको कितने मार्क्स आए इंटरव्यू में? इंटरव्यू में भी मैम बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, आई गॉट 70 मार्क्स इन इंटरव्यू। ओके, दैट्स गुड आल्सो. उतना तो बहुत कुछ है, बहुत लोगों को नहीं आया है, एंड यू गॉट जी जी सेलेक्टेड. बिल्कुल मैम। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम. तो आपने बहुत कुछ बता दिया है लोगों को, कैसे स्ट्रेटेजी प्लान करना है, और आपने क्लियरली भी बोला कि मेहनत करने की बहुत बहुत जरूरत है, और आगे आप और भी एग्जाम्स में अपियर करेंगे. एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने इंजीनियरिंग किया तो आप वैसे सेक्टर्स में क्यों नहीं गए, इंजीनियरिंग सेक्टर्स, जिस भी सेक्टर में आप थे, तो इंस्टीड ऑफ दैट यू चोज टू बी सिविल सर्वेंट, व्हाई? मैम एक्चुअली आई हैव वर्क्ड इन कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर अराउंड 3 इयर्स, और मुझे लगा कि मैं उतनी फिट नहीं बैठती हूँ वहां पे, मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ वो समझ में नहीं आता, करते हम काम है बट मैं कुछ से कुछ ज्यादा कुछ रियल करना चाहती थी, सोसाइटी को कुछ देना चाहती थी, और पब्लिक सर्विसेज जो सिविल सर्विसेज के थ्रू जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो प्लेटफॉर्म मिलता है, जो डाइवर्सिटी ऑफ वर्क मिलता है, मैं उसमें हमेशा से जाना चाहती थी। इसलिए इंजीनियर हूँ, बट मुझे लगता है मेरा पहला इंटरेस्ट पब्लिक सर्विसेज ही रहेगा। रहेगा. तो इट वाज वेरी गुड टू हियर यू पल्लवी, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस. तो
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार के लोग अब आपको देखने वाले हैं और आपने जो भी चीजें कही हैं शायद उनसे उनको कोई हेल्प पहुंचे, तो ये वीडियो आप भी देख लीजिएगा वापस से यूट्यूब पे, और जितने लोग देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वीडियो में फिलहाल। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। थैंक यू थैंक यू।